छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भिलाई नगर से विधानसभा भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे अपने सुपुत्र मनीष पांडे के साथ मतदान करने मतदान स्थल पहुंचे, जहां आधे घंटे लाइन में खड़े होने के पश्चात उन्होंने मतदान किया। मतदान करने के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भिलाई में अब बदलाव होने जा रहा है और इस बार भिलाई की जनता अपने शहर को अपराध और जुआ सट्टा से मुक्त करने जा रही है। हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले भिलाई नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। सुबह वो मतदान करने सेक्टर 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ उनके सुपुत्र मनीष पांडे भी मतदान करने उनके साथ पहुंचे। मतदान करने के पश्चात उन्होंने लोगों से चर्चा की और कहा कि अपने मतों का उपयोग अवश्य करें। साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की एक सबसे बड़ी ताकत है वोट। उसके माध्यम से बड़ी सरकारें बदली गई है और दुनिया में भारत का मान सम्मान भी इसलिए है कि यहाँ पे कभी भी पिछले 75 वर्षों से अधिक देश आज़ाद हुआ है। इस उंगली के ताकत से ही बदलाव हुआ है। बाकी जगह आप देखोगे तो हमेशा बुलेट का ही सहारा लिया गया। ये हमारी लोकतंत्र जो है, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति है, उसके अनुरूप है। पूरे प्रदेश से लेके और भिलाई तक लोग शांति और विकास चाहते हैं। जो नशा और अपराध का गढ़ बना है छत्तीसगढ़ भिलाई, उससे सब मुक्ति पाना चाहते हैं। सब लोग अपना वोट जरूर करें, 100% मतदान करें, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में अपना योगदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।